मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कमला दास की एन इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगी और लाइन बाय लाइन उसको समझाने की कोशिश करूंगी। मैंने आपका एक वीडियो इसमें इंग्लिश का बनाया है, बट मुझे डिमांड आई कि आप हिंदी में बनाइए, तो आज मैं आपके लिए हिंदी में बनाती हूँ। ये आपका सिलेबस भी है, BA 6M में भी चलता है कुछ कॉलेजेस में और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, और MA में भी है, ये MA 4M में भी है कमला दास। तो पहले थोड़ा सा कमला दास के बारे में जानते हैं। तो कमला दास का जो जन्म था, जो बर्थ था, वो था 1932 से 209, और ये एक ऐसी पोएट्रेस थी जिन्होंने अपना दिल निकाल करके अपनी पोएट्रीज में रखा। और इस तरह के लोग जो अपना दिल निकाल कर और अपनी उन अनसेड बातों को, जो नहीं कहने लायक बातें होती, किसी से भी नहीं कह सकते आप, अब सिर्फ अपने आप से कह सकते, उसको भी कह डाला इन्होंने। तो इन्होंने एक इस टाइप के राइटर्स को कन्फेशनल राइटर्स कहते हैं, और ये एक ट्रेंड आया था कन्फेशनल राइटर्स का अमेरिका में, जिसमें सिल्विया प्लाथ आती हैं, एन सेक्सटन आते हैं, और बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो अपना दिल निकालते हैं और ऐसी बातें भी कन्फेस करते हैं, ऐसी बातें भी कह देते हैं जो कि सिन भी होती है, जो कि गुनाह जो किया होता है वो भी कह देते हैं, जिनमें उनकी गुनाहगारी होती है, जिसमें उनका गिल्टी फीलिंग होती है, जिस बात की उनको दिल में रहता है कि मैंने ये किया है, वो भी कह डालते हैं। तो उन राइटर्स को, उन कैटेगरी ऑफ राइटर्स को हम कन्फेशनल राइटर्स कहते हैं। तो कमला दास जो है इंडिया की कन्फेशनल राइटर में है। जब कभी आपसे उस पर पूछा जाता है, मान लीजिए आपका MA का फाइनल का वाइवा भी हो, तो अगर आप सिल्विया प्लाथ का नाम लेंगे तो आपसे ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि इंडिया में कन्फेशनल राइटर्स कौन हैं। तो उसमें हमारा बहुत बड़ा नाम है कमला दास का। इनका सारा का सारा लिटरेचर इनकी दिल की बात है, एक तरह से आप समझिए इनकी अपनी मन की बात है। वो जैसे आप कहते हो मन की बात, इन्होंने अपने मन को खोल के, अपने दिल को खोल के, अपनी लाइफ को खोल करके सब कुछ पन्नों पर उतार दिया था, तो जिसके लिए इनका बहुत बड़ा नाम भी है और इन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज़ में भी रखा गया। तो थोड़ा सा इनके बारे में ये जानने के लिए, कॉन्ट्रोवर्सीज़ में ये रखा गया कि ये ट्रायलॉजी थी AK रामार्जुन और कमला दास और नारायण, RK नारायण, इनकी ट्रायलॉजी थी। लेकिन फिर भी इनको अक्सर लोग बहुत सेलिब्रेट नहीं करते थे इनकी पोएट्री को, लेकिन जो पढ़ने वाले होते थे वो ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं करते थे। तो जो भी इनको पढ़ता है वो ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं करता, बट ये खुले तौर पे सेलिब्रेट नहीं की जाती, खुले तौर पे इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जिन्होंने जिस तरह से अपना दिल खोल के रखा, उस तरह से दिल खोल के रखना बहुत ही मुश्किल था उस दौर में जब ये पैदा हुई थी। और ये आप समझ लीजिए कि 1950s की बात हो रही है। अच्छा, अब मैं आपको शुरू करूँगी इनका एन इंट्रोडक्शन। ये मालाबार कलेक्शन में भी इन्होंने अपने पोएट्री कलेक्शन में इसको इंक्लूड किया है। अच्छा, शुरू करूँगी मैं लाइन्स से। पहले मैं आपको थोड़ा लाइन्स बोलती जाऊँगी, एक एक पैराग्राफ, और फिर समझाती जाऊँगी। आई होप आपको अंडरस्टैंड करें, आप समझ जाए और ईजी हो जाए आपके लिए लिखना। तो इसको आप दिल से सुने, दिल से समझें, और ये आप ऐसा मत समझें कि आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आप जो हैं कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो आपको ठूसना है अपने दिमाग में। ये कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जिसको आपको इन्जॉय करना है। अगर अपने आप से रिलेट करके पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि हाउ कैन यू रिलेट कमला दास विथ योर ओन फीलिंग्स, तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इसमें आपको पूरा पूरा स्कोप होता है क्रिएटिविटी दिखाने का, अपनी दिल को लिखना और अपने आप को एक्सेप्ट करना किस तरह से, कितना खूबसूरत होता है, ये सब कुछ आप इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, कमला दास कहती है, एक तरह से ये रिएक्शन भी है इनका पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो पित सत्ता कहते हैं, जिसको कि जो आदमियों की दुनिया है, समाज आदमियों का है, औरतों के लिए कुछ नहीं है, उस रिएक्शन भी है उस सोसाइटी के लिए, कि अगर औरत कुछ करती है तो उस पर सबकी नज़र होती है, और आदमी कुछ करता है तो वह एक्सेप्टेबल होता है। तो इसमें बहुत सी लाइन्स इन्होंने ऐसी भी ली है जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर मैं राइटिंग भी करूं तो भी मुझसे पूछा जाता है कि इंग्लिश और हिंदी क्यों, और अगर मैं कपड़े भी पहनूं तो मुझसे ये कहा जाता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो। मतलब बहुत सारे लोग इनके ऊपर प्रेशर भी डालते हैं कि औरत होकर के बहुत कुछ ना करो। तो इससे पितृ सत्ता के या पैट्रियार्कल सोसाइटी के लिए एक रिएक्शन भी है इनकी पोएट्रीज। अच्छा, आप पढ़ते, तो इनकी लाइन शुरू होती है, आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स और दोज इन पावर एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ बिगिनिंग विथ नेहरू।
ठीक है। वो कहती है मुझे पॉलिटिक्स के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, मगर मैं पॉलिटिक्स के हर एक नाम को बहुत आराम से बता सकती हूँ जो जो पावर में है आजकल या इन दिनों में। और वो कहती है कि उनको मैं ऐसे आसानी से बता के गिनती की तरह बता सकती हूँ जैसे कि लोग संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे बताते हैं ना डेज के, वीक के डेज को संडे मंडे, वैसे ही मैं बता सकती हूँ नाम, ऐसे मुझे याद है। और जैसे कि मंथ के नाम भी आप बता सकते हैं कि जनवरी फरवरी इतनी ईजिली आपको आता है 12 के 12, तो वैसे मैं वो भी बता सकती हूँ। और उसमें कहती है कि मैं नाम लेती हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा जो पावर में है वो है नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू का रेफरेंस है। कभी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एक ऑब्जेक्टिव टाइप में कि ये कौन सी पोएम है जिसमें जवाहरलाल नेहरू का रेफरेंस है, तो ये आप बता सकते हैं कि ये एन इंट्रोडक्शन है जिसमें आपका जवाहरलाल नेहरू का इंट्रोडक्शन है, इसमें जवाहरलाल नेहरू का इंट्रोडक्शन है, ये आप बता सकते हैं। और फिर आपको बोलते हैं कि आई एम इंडियन वेरी ब्राउन ब्राउन इन मलाबार, आई एम इंडियन वेरी ब्राउन ब्राउन इन मलाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेज राइट इन 2 ड्रीम इन 1। वो कहती है कि मैं एक इंडियन हूँ और मैं डार्क हूँ, ब्राउन है उसका कॉम्प्लेक्शन, ब्राउन था मतलब डार्क थी, सांवले रंग की थी, और मैं मलाबार में पैदा हुई। आई स्पीक 3 लैंग्वेज राइट इन 2, मैं 3 लैंग्वेज में बोल सकती हूँ मगर मैं 2 लैंग्वेज में लिखती हूँ, हिंदी और मलयालम में, इंग्लिश और मलयालम में लिख सकती हूँ, 3 लैंग्वेज बोल सकती हूँ। और मैं ड्रीम करती हूँ 1 लैंग्वेज में, ड्रीम वो उस लैंग्वेज में हम करते हैं जो हमारा मदर टंग होता है। फिर वो कहती है डोंट राइट इन इंग्लिश, दे से इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, वाई नॉट लीव मी अलोन, इट टेक्स फ्रेंड्स विजिटिंग कजन्स इवन वन ऑफ यू, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक। फिर वो कहती है कि डोंट राइट इन इंग्लिश, मतलब मुझे जो मेरे कजन्स आते हैं, मेरे क्रिटिक्स आते हैं, मेरे दोस्त आते हैं, वो सब मुझसे कहते हैं कि डोंट राइट इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में मत लिखो, तुम इंग्लिश में क्यों लिखती हो, तो वो कहती है कि तुम लोग क्यों नहीं आना छोड़ देते हो, क्यों नहीं मुझे अकेला छोड़ देते हो, मतलब एक तरह से वो बता रही है कि मुझे मत परेशान किया करो, मुझे मत टोक रोक लगाया करो कि मैं किसी भी लैंग्वेज में लिखूं, मेरी पूरी तरह से अपनी फ्रीडम है, अपनी ज़िंदगी है। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी वन इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, क्यों नहीं मुझे बात करने देते हो जिस भी लैंग्वेज को मैं लाइक करूं, उन्हें ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कि उनके ऊपर प्रेशराइज़ किया जाता है। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकेम माइंड, इट्स डिस्टॉर्शन इट्स क्वेननेस ऑल माइंड माइंड अलोन। वो कहती है जिस भी लैंग्वेज में बात करूँगी ना वही लैंग्वेज मेरी हो जाएगी, और जिस भी लैंग्वेज को मैं अपना एक्सप्रेस करूँगी वो सब लैंग्वेज मेरी हो जाएगी, इसलिए मुझे ज़्यादा टोक रोक करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं। मतलब वो ये बता रही है कि उन लोगों का रोक टोक करना इस लेवल पर है कि मुझसे मेरी भाषा के लिए भी कहा जाता है। जैसे आप भी जानते हो कि आप कुछ इंग्लिश में बोलो तो लोग कहते हैं अरे बड़ा इंग्लिश में बोल रहे, तो मुझे बड़े इंग्लिश के लिए भी टोका जा रहा है। इट्स इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी पर हैज बट इट इज़ ऑनेस्ट। मैं हो सकता है हाफ इंग्लिश और हाफ इंडियन लैंग्वेज बोलती हूँ, हिंदी बोलती हूँ या अपनी मलयालम जो भी उनकी लैंग्वेज होगी वो बोलती हूँ, मगर ये सुन लो कि ये बहुत ऑनेस्ट है, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ और बहुत दिल से बोलती हूँ। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, डोंट यू सी। और बताए मैं दिल से ईमानदार हूँ, मैं इंसान हूँ और दिल से आप लोग की तरह नहीं हूँ, और आपको क्या दिखता नहीं है कि मैं अपने दिल से ये भाषा इस्तेमाल करती हूँ। इट्स वॉइस इज माई जॉय माई लॉन्गिंग माई होप्स एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज कॉविंग। कहती है ये भाषा जो भी मैं यूज़ करती हूँ मेरे अंदर के जो तकलीफ़ है मेरे खुशियाँ हैं उन सबको एक ज़बान देती है, मतलब द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस, ये मेरे सबसे अच्छे तरह से मुझे रेजोनेट करती है, मुझे दिल को छूती है, मैं जो भी कहना चाहती हूँ इस भाषा में मैं कह पाती हूँ, एक्सप्रेस कर पाती हूँ, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। आपको क्या दिखता नहीं है। इट इज़ टू क्रो और रोरिंग टू द लायन इट इज़ ह्यूमन स्पीच। आप जैसे कि क्रो के लिए चिल्लाना होता है कॉइंग होता है, और ऐसे चिंघाड़ना होता है या वो कहते हैं ना लॉइन रोर करता है चिंघाड़ता है, जिस तरह से लॉइन के लिए चिंघाड़ना होता है उसी तरह से ये लैंग्वेज मेरे लिए है, मैं भी अंदर से अपनी व्यथा को एक्सप्रेस कर रही हूँ। इज़ ह्यूमन स्पीच द स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज़ हियर एंड नॉट देयर, अ माइंड दैट सीज एंड हियर एंड इज़ अवेयर, नॉट डेफ ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्री इन स्टॉर्म। वो कहती है यही नहीं है
आपको क्या इस बात में कोई एतराज़ है कि मैं अपने उस किसी भी भाषा को लेके अपने अंदर के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकूं? और ये कुछ ख़ास नहीं है कि आप इस तरह से मेरे ऊपर हावी हो गए हैं कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरह से बोलूं, आपकी तरह से लैंग्वेज यूज़ करूं। फिर कहती है कि क्या मैं, आप तो इस तरह की बात कर रहे हो, मुझे तो अगर पेड़ भी हिलते हैं मानसून में, एक्सप्रेस करते अपने आप को, क्लाउड्स और हवाएं भी होती तो उसमें भी भाषा सुनाई देती है, उनमें भी मुझे आवाज़ सुनाई देती है, उनमें भी मुझे दुख का फ्यूनरल का पेड़ सॉन्ग सुनाई देता। आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू फॉर। अब आगे बढ़ती और कहती है ऐसे ही आप लोगों ने मुझे दबा दबा करके ज़िंदगी को मेरे बर्बाद कर रखा है बचपन से जब मैं छोटी थी। और वो आगे कहती है कि जब मैं छोटी थी, जब मैं एक चाइल्ड थी, तो लेटर दे टोल्ड मी, और आपने धीरे धीरे मुझे बताना शुरू कर दिया मैं बड़ी हो गई हूँ, जब मेरे हाथ पैर बड़े हो गए, मेरी बॉडी के पार्ट्स जो हैं थोड़े से डेवलप होने लग गए, तो आप लोगों ने मुझे बहुत बताना शुरू कर दिया, अरे तुम बड़ी हो गई। और जब मेरे एक दो हेयर्स और जो भी आपके एडोलेसेंस के साइंस होते हैं वो आने लग गए, तो जो आप बड़े हो रहे होते हो, जब आप एज हो रही होती है आपकी, तो आपकी प्यूबर्टी एज में जो भी आपके साइंस होते हैं उस साइंस को देख करके वो आप मुझे ये बताने लग गए कि मैं बड़ी हो गई हूँ। When I asked for love, not knowing what else to ask. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कमला दास की शादी अपने से एक बड़े आदमी के साथ हुई थी, शायद उनके हस्बैंड 25 के थे या 30 के थे, और उनकी शादी जब हुई थी जब वो 15 ईयर्स की थी। तो जब वो 15 ईयर्स की थी उनकी शादी कर दी थी, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कल्चर होता है कि शादी कर दो, तो उन्हें अपनी शादी का मतलब नहीं पता था, उनको लगता था कि शादी का मतलब एक कंपेनियनशिप, एक फ्रेंडशिप, ये सब कुछ। लेकिन क्योंकि वो कोई अफेयर नहीं था, कोई प्यार नहीं था, वो शादी थी, तो शादी में उनका जो रिलेशनशिप था वो फिज़िकल था खाली, तो उन्हें उस चीज़ से एक तकलीफ़ होती थी कि ये कौन सा रिश्ता है प्यार का, ये उन्हें ये इस चीज़ से भी एतराज़ था कि रिश्ता प्यार का क्या है। अच्छा देखिए उन्होंने किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस किया और कहा है, फॉर व्हेन आई आस्क फॉर लव नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क फॉर ही ड्र्यू अ यूथ ऑफ 16 इनटू द बेडरूम एंड क्लोज द डोर। जब मैंने प्यार मांगा और मुझे 16 ईयर्स के एज में पता नहीं था कि प्यार का मतलब क्या होता है, दोनों ने मुझे बेडरूम में बुलाया और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया, और ही डिड नॉट बीट मी, और उन्होंने मुझे मारा नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे दरवाज़ा बंद करके मारा, और बट माई सैड वुमेन बॉडी फेल्ट सो बीटन, पर मेरी बॉडी जो थी ना उसे ऐसा महसूस किया जैसे कि मार पड़ी हो उसे, द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वोम क्रश्ड मी एंड आई श्रैंक पिटीफुली, और मेरे जो कहते हैं जो ब्रेस्ट थे और जो मेरी वूम थी, जो मेरी बॉडी थी, जो एब्डोमेन था मेरा, वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि मैं क्रश की गई हूँ, मुझे बहुत दबाया कुचला गया है और मैं अपने आप को सिकुड़ती चली गई हूँ, और मुझे बहुत अपने ऊपर तरस आया। देन आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउज़र, और फिर वो बताती हैं कि उस इवेंट के बाद, उस फिज़िकल लव के बाद मुझ में इतना अंदर से जैसे चोट ही और घायल हुई मेरा शरीर और मेरा दिल, मेरा दिमाग, कि फिर मैंने क्या किया, मैंने एक शर्ट निकाली और अपने भाई का ट्राउज़र पहन लिया और अपने बाल काट लिए और अपनी औरत होने को अवॉइड करने लगी, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा कि वो औरत हैं और उन्हें इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें वो प्यार नहीं समझ पाया, उन्हें वो फिज़िकल रिलेशनशिप समझ में नहीं आया। ड्रेस इन साड़ी, और फिर मैंने जब कपड़ा पहना, पैंट शर्ट, तो लोगों ने मुझे उपदेश देने शुरू कर दिए कि साड़ी पहनो और एक औरत की तरह रहो, एक बीवी की तरह रहो, और ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी करो और कुकिंग करो और लड़कों इनसे सर्वेंट से लड़ाई करो, थोड़ा उनको डांटो फटकारो और इनके इन सब चीज़ों के बीच में इस फ्रेम में फिट हो। जैसे आपसे भी कहा जाता होगा, गर्ल्स जो हैं वो समझ रही होंगी कि उनसे कहा जाता है ज़्यादा ज़ोर से मत हंसो, थोड़ा घर का काम काज कर लिया करो, थोड़ा पड़ोसी आए तो बैठ लिया करो। आजकल तो एक नया डायलॉग है कि ज़्यादा मोबाइल मत यूज़ किया करो, जो लोग आए तो उनसे बैठ के बात भी किया करो, फैमिली में रहा करो, फैमिली की तरह रहा करो, गर्ल्स की तरह रहा करो, लड़कियों की तरह रहा करो। तो वो ये कहती है कि शुरू से ही उसे सब चीज़ें बहुत बुरी लगती थी, उसे समझ में नहीं आ रही थी ये सब चीज़ें, तो उसने जो है वो ये करती नहीं थी, तो उसे कहा जाता था कि अपने फ्रेम में फिट इन हो, ओ बिलोंग क्राइज द कैटेगराइज, और उन्होंने मुझे कैटेगरी में बांधना शुरू कर दिया, डोंट सिट ऑन वॉल और पीप इन थ्रू और लेस ड्रेव विंडोज। वो कहते हैं कि मुझे समझाने लग गए कि दीवारों पर मत बैठो और ये जो विंडोज पर चढ़ जाती हो ना, यहाँ मत बैठा करो, बी एमी और बी कमला और बेटर स्टिल, वो मुझसे कहने लग गए कि एमी की तरह बिहेव करो, एमी बनो, मतलब एक उनका ही निकनेम है, और कमला बनो, कमला जैसी है वैसे बनो, अच्छा चलो छोड़ो, माधवी कुट्टी बनो, इट सीम्स टाइम टू चूज अ नेम, अ रोल डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स। वो कहते हैं कि जिस एज में मैं प्रिटेंडिंग गेम्स खेलने वाली थी,
मैं जिस बच्चे खेलते हैं कूदते उस वक्त ही मुझे वो ये डिसाइड करने को कह रहे थे कि अपना रोल डिसाइड करो एज अ वूमन, तुम आधी कुट्टी हो कि तुम एनी हो, एमी हो कि तुम कमला हो, अपने आप को एक रोल में बांधो और उसकी तरह से बिहेव करो। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, डोंट प्ले एट सिजोफेनिक और बी अ निम्फो। जब मैं कुछ थोड़ा सा मेरे अंदर से जब रिप्रेशन होता था, मुझे दबाया जाता था, मेरे अंदर से रिएक्शंस आता था, मैं उदास होती थी, गुस्सा होती थी, कभी कभी कुछ भी करती थी, तो वो लोग मुझसे कहते थे ये ज़्यादा नाटक मत किया करो, जैसे हम कहते ना प्रिटेंडिंग, ज़्यादा प्रिटेंड मत करो, ज़्यादा नाटक मत। वो मुझे ऐसे वर्ड से निभाते थे कि ये प्रिटेंडिंग गेम्स जो है ना इसको बंद करो, एक नाटक बंद करो। जैसे हम लोग नहीं कहते थोड़ा ये नाटक बंद करो, सर में दर्द हो रहा तुम्हारे, ऐसी सर में दर्द, हाँ कुछ बुरा लगा, अब हम चुपचाप बैठे, तो अगला कहता है अरे तुम्हारे बड़ा ऐसी सर में दर्द होता रहता है, ऐसी मुंह बन जाता है तुम्हारा, तो वो उन्हें डांटते थे। डोंट प्ले एट सिजोफेनिया और बी अ निम्फो। वो उससे कहते कि ये पागलपन बंद करो, सिजोफेनिया एक बीमारी है जिसमें पागलपन और मैनियाक सिम्टम्स आते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी खुशी हो जाते हैं। तो कहते हैं कि सिजोफेनिक होना बंद करो, निम्फो, निम्फो वो होता है जिसको फिजिकल अर्ज बहुत होती है कि वो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा भागता है, तो वो अगर अपने हस्बैंड से ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप में रहना चाहती थी या क्लोज रहती थी तो वो ये कहते थे कि डोंट बी निम्फो, मतलब ज़्यादा निम्फो मत बनो। डोंट क्राई एम्बेरेसिंगली लाउंड व्हेन शी टेल्ड इन लव। और जब तुमसे कुछ कहा जाए तो ये कुछ बुरी तरह से जो है एम्बेरेस करने वाली जोर जोर से चीखो मत। आई मेट अ मैन लव्ड हिम, कॉल हिम अबाउट माई एनी नेम। अच्छा इससे क्या असर हुआ, इतना दबी इतनी दबी वो, इतना उनको दबाया गया कि उनके अंदर एक चेंज आया और उन्होंने समझा कि ये सिर्फ मेरा आदमी है या मेरा हस्बैंड है जो मुझे ऐसे बिहेव कर रहा है, बाकी के और दुनिया के आदमी बहुत अच्छे हैं। एंड शी गोज़ फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ अफेयर्स, मतलब एक हंड्रेड्स ऑफ मैंने हाइपरबोल यूज़ कर लिया, मगर बहुत सारे अफेयर में पड़ गई वो, और उन्होंने सोचा कि शायद ये आदमी ऐसा है बाकी नहीं होंगे। तो वो कहती है कि हिम और नॉट बाय एनी, आई मेट अ मैन लव्ड हिम कॉल्ड हिम नॉट बाय माय नेम एनी नेम ही इज़ एवरी मैन। कहती है मुझे एक आदमी मिला, मैंने उसको प्यार किया, उसका कोई नाम नहीं था, वो हर आदमी की तरह एक आदमी था, और मैंने उसको प्यार दिया और उसकी हंगरी हेस्ट ऑफ रिवर इन मेर, और जितना भी मेरे अंदर एक उबाल था प्यार का, जो भी मेरे अंदर सागर था प्यार का, सब उसके ऊपर उडेल दिया। मगर क्या हुआ, वेटिंग हु आर यू I asked everyone, each and everyone, the answer it is I। और मैंने हर एक बार जब भी मेरा अफेयर हुआ, जब भी मैंने अपना प्यार का सागर किसी पर उंडेला, तो मैंने ये देखा कि मुझे हर बार वही सवाल मिला कि मैं कौन हूँ, और मुझे उसका कोई भी जवाब नहीं मिलता, बस मैं अब खुद ही रह गई। मतलब हर आदमी जो था वो मेरे हस्बैंड की तरह ही खोखला मिला मुझे, मुझे उसकी तरह ही मिला, मुझे कुछ नया नहीं मिला, मुझे प्यार नहीं मिला। Who are you? I asked each and everyone, that answer is it is I। Anywhere and everywhere I see the one who called himself I in this world, he is tightly packed like the sword in the sheath। और हर आदमी अपने आप में ऐसे सिमटा रहा जैसे कि एक तलवार म्यान में रखी जाती, वो अपना दिल नहीं खोलता। एक औरत अपना सागर बन के उंडेल देती है अपने आप को आदमी पे, मगर आदमी जो है अपना दिल का सागर नहीं खोलता, और वो शील्ड में बंद रहता जैसे कि मेरा हस्बैंड रहता था, और जैसे कि सारे लड़के जो भी उनके अफेयर में रहे वो सब रहे। इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली ड्रिंक एट 12, और एक मैं अकेली थी जो मैं अकेले पीती थी, रात को पीती थी, मिडनाइट में, होटल में, स्ट्रेंजर्स के साथ, स्ट्रेंज टाउन्स में रहती थी। जब भी मैं मिलने जाती थी तो स्ट्रेंज टाउन भी चली जाती थी प्यार की उम्मीद में, मगर मुझे प्यार नहीं मिल रहा था। बिलोंग क्राइड एंड कैरेक्टराइज आई डोंट सिट ऑन वो, हाँ फिर वो कहती है कि आई वॉन्ट, हाँ स्ट्रेंज टाउन्स में भी रहती थी। इट इज़ आई हु लव, मैं ही थी सिर्फ अपने रिश्ते में जो हंसती थी, जो प्यार करती थी। आई मेक लव एंड देन फील शेम, और तब मैं जब ये सब कुछ कर लेती थी उसके बाद भी मुझे प्यार नहीं मिलता था, तो मुझे एक गिल्टी फीलिंग आती थी और मुझे शर्म भी आती थी कि मैंने गलत किया। इट इज़ आई हु लाई डाइंग विद द रैटल इन माई थ्रोट, और वो मैं थी जो घूंट पीती थी जहर का प्याला, घूंट अपने गले में दर्द महसूस करती। जब हम कोई तकलीफ़ करते हैं तो कुछ गलत करते हैं तो हमें अपने गला रुंध जाता है ना, तो तकलीफ़ होती थी उसे गले में। वो यह कह रही है कि मैं थी सिर्फ जिससे तकलीफ होती थी। आई एम सिनर, मैं थी जो गुनाहगार थी। आई एम सेंट, लेकिन फिर अपने आप को वो सिनर के बाद सेंट कहती हैं, और वो कहती है मैं सेंट थी क्योंकि मैं एक बिलवर्ड नहीं थी, मैं एक बिलवर्ड थी, मैंने कभी किसी को बिट्रे नहीं किया, मैंने हमेशा सबको प्यार किया, मैंने सबको प्यार दिया, मैंने हर एक आदमी जो भी मेरे संपर्क में आया सबको प्यार दिया, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दिया। और
that are not yours, no एक which you are not yours, I which are not yours, I too call myself I. और वो कहती है कि किसी को दर्द नहीं दिया मैंने, किसी को भी धोखा नहीं दिया, सबको प्यार दिया, सब पे अपना प्यार ही लुटाया. इसलिए एक बार में वो अपने आप को सिनर कहती हैं और दूसरी बार में वो अपने आप को सेंट कहती हैं, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने किया वो एक तरह से प्यार की आशा में किया, ना कि उन्होंने किसी लस्ट में आकर या किसी फिजिकल रिलेशनशिप की उसमें आकर किया, अर्ज में आकर किया. उन्होंने जो कुछ भी किया प्यार की चाहत में किया, प्यार के लिए किया. तो इसलिए वो एक तरह से अपने आप को माफ़ भी करती हैं और आखिर में कहती हैं कि आई एम अ सिनर एंड आई एम सेंट. बहुत डीप है पोएट्री, सुनेंगे पढ़ेंगे कमला दास को तो आपको बहुत डीपली अगर आप इसे फील कर पाएंगे तो करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ में आई हो. कीप लविंग लिटरेचर.